झारखंड में आज यानी गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह है, जहां हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। अब जब नई सरकार का गठन हो ही रहा है तो इसके साथ ही विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने 20 विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा, लेकिन अब भी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसे लेकर कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और संशय बना हुआ है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावना किसकी है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव से पहले तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर कुमार बावरी कार्यरत थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी का नाम चर्चाओं में है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार यानी 2019 में जेवीएम के चिन्ह पर चुनाव लड़ने के कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल पाई। वहीं इस बार बाबूलाल मरांडी भाजपा के टिकट से विधायक चुने गए हैं। ऐसे में इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में इनका नाम सबसे ऊपर है। अब समझ लेते हैं कि इसे लेकर भाजपा की तैयारी क्या कुछ हो सकती है। इस बार विधानसभा में हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी किसी आदिवासी नेता को ही पार्टी का चेहरा बनाना चाहेगी, ताकि आदिवासियों के साथ वो कनेक्शन बना रहे या आगे भी मजबूती से कनेक्शन बनाया जा सके। ऐसे में बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा एक और नाम जो सामने आ रहा है वो है चंपई सोरेन का, क्योंकि एकमात्र आदिवासी सुरक्षित सीट से जीतने वाले विधायक चंपई सोरेन है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामा और भाजपा उनके अपमान का आरोप झामुमो पर लगाती रही है। इसके साथ ही चंपई सोरेन चुनाव परिणाम आने के साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आंदोलन चलाने की बात भी कह चुके हैं। ऐसे में संभावना ये भी बन रही है कि एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता को भाजपा अवसर देने की योजना बना सकती है। एक और नाम की संभावना बनती नजर आ रही है, जो मतदाताओं द्वारा लगातार 7 बार से रांची के विधायक चुने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीपी सिंह की, जो बेहद अनुभवी और लंबे समय से चुनाव जीतने वाले विधायक हैं। सदन में वो मुखर भी रहते हैं। ऐसे में अगर सामान्य जाति से नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात उठती है तो सीपी सिंह का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे प्रमुख हो सकता है। इसके अलावा नीरा यादव कोडरमा से 3री बार विधायक चुनी गई हैं। अगर ओबीसी और महिला को कमान देने की बात आई तो पार्टी उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। हालांकि इस बार नई विधानसभा में भाजपा के वो सारे बड़े चेहरे गायब रहने वाले हैं जो पिछली बार सक्रिय रहे थे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे अमर कुमार बावरी चुनाव हार चुके हैं। इसी तरह भाजपा के सचेतक रहे विरंची नारायण, अनंत ओझा, रणधीर सिंह और भानु प्रताप शाही भी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में भाजपा को सदन में माहौल बनाए रखने के लिए नए विधायकों पर ही निर्भर रहना होगा। वहीं सत्येंद्र तिवारी और प्रकाश राम पर इस बार सरकार को घेरने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। जमुआ से चुनाव जीतकर आई मंजू देवी उच्च शिक्षित हैं, उन्हें भी इस बार पार्टी के लिए मुखर होने का अवसर मिलेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से हेमंत सरकार को घेरने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाती है, और फिलहाल ये भी देखना होगा कि 4 संभावित नामों में से नेता प्रतिपक्ष किसे चुना जाएगा।